गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, चैप्टर टू, गुड मैनर्स। देखिए बच्चों, इसकी हम एक्टिविटी थ्री तक कर चुके थे, अब इसकी एक्टिविटी फोर आती है। एक्टिविटी फोर में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। तो आपको ये आर्टिकल्स फिल करने हैं ए एन द। किस तरीके से करने हैं देखिए, जहां पर भी जो जनरल कॉमन नाउन होता है उसके लिए हम ए यूज करते हैं, जो यूनिवर्सल है या पूरे यूनिवर्स में एक ही है उसके लिए हम द यूज करते हैं, और ऐसा कॉमन नाउन जिसका फर्स्ट लेटर वॉवल है उसके लिए हम एन यूज करते हैं। देखिए, प्लीज गिव मी कप ऑफ टी। कप, तो कप क्या है, कॉमन नाउन है और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए। प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। आई डोंट वॉन्ट फिल इन द ब्लैंक्स एप्पल, तो एप्पल भी कॉमन नाउन है और इसमें ये क्या है, ए से शुरू हो रहा है, तो यहां हम क्या लगाएंगे, एन, एन एप्पल। बट आई कैन हैव ऑरेंज, ऑरेंज में भी देखिए ओ वॉवल है इसलिए हम यहां पर भी क्या लगाएंगे, एन, एन ऑरेंज। देर आर डार्क क्लाउड्स इन स्काई, तो स्काई क्या है, एक यूनिवर्सल चीज है या पूरे संसार में एक ही है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, द, इन द स्काई। लुक एट मून, अब मून भी क्या है, एक ही है, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द, लुक एट द मून, इट इज शाइनिंग ब्राइटली, यह है चमक रहा है, कैसा, तेज चमक रहा है या अच्छा चमक रहा है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव न्यू इंग्लिश टीचर, न्यू, न्यू के लिए हम क्या लगाएंगे यहां पर देखिए, ए, वी हैव ए न्यू इंग्लिश टीचर, एवरीबॉडी लाइक न्यू टीचर, तो न्यू टीचर की बात हो रही है, तो जिस बारे में पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बात होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द, एवरीबॉडी लाइक्स द इंग्लिश टीचर। ये आपकी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए क्या है, You have learned in this lesson that good morning is a form of salutation in the morning. Remember, the form of salutation change according to the time, like good noon, good afternoon, good evening and good night. इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि गुड मॉर्निंग क्या होता है, फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, एक अभिवादन करने का तरीका है, यानी किसी को हम सामने जाते हैं तो उसका सम्मान करने का तरीका है, अभिवादन करने का तरीका है। और ये जो अभिवादन करने का तरीका है ये समय के अनुसार चेंज हो जाता है, जैसे सुबह सुबह हम करते हैं गुड मॉर्निंग, दोपहर को करते हैं गुड नून, दोपहर के बाद करते हैं गुड आफ्टरनून, शाम को करते हैं गुड इवनिंग और रात को करते हैं गुड नाइट। देखिए, नाउ राइट बिलो दैट यू विल से टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स व्हेन यू मीट हिम एट डिफरेंट टाइम, तो आपको वो सैल्यूटेशन लिखना है जब आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से मिलते हैं, जिस समय आप मिलते हैं आपको उस समय का सैल्यूटेशन लिखना है, यानी आप सुबह मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग लिखेंगे, दोपहर में मिलते हैं तो गुड नून, और अगर आप रात को मिलते हैं तो गुड इवनिंग, या शाम को मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और लास्ट टाइम जाते हैं तो गुड नाइट। फर्स्ट आता है, You meet your friend at 7 a.m. जब आप सुबह 7 बजे अपने दोस्त को मिलोगे तो आप क्या कहोगे, गुड मॉर्निंग, क्या कहोगे आप, गुड मॉर्निंग। You meet your teacher at 12 a.m. 12
12 AM यानी दोपहर के 12 बजे, फिक्स 12 बजे से थोड़े से पहले का टाइम है ये 12 AM, तो इसको हम क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, यू मीट योर अंकल एट 2 PM, 2 PM यानी दोपहर के बाद, 12 बजे के बाद क्या होता है, गुड आफ्टरनून, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, गुड आफ्टरनून। यू मीट योर रिलेटिव्स एट 8 PM, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से संबंधी से 8 बजे मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, गुड इवनिंग, क्या कहेंगे आप, गुड इवनिंग। यू आर गोइंग टू स्लीप, यू विल से टू एवरीबडी, जब आप सोने जाते हैं रात को तो आप क्या कहेंगे, गुड नाइट, क्या कहेंगे आप, गुड नाइट। नेक्स्ट एक्टिविटी है देखिए, अंडर ए सम ओकेजन्स आर गिवन, अंडर बी द वर्ड विच यू से ऑन दोज ओकेजन्स आर गिवन। यहां पर ए वाले बॉक्स में या ए वाले कॉलम में कुछ ओकेजन्स यानी कुछ अवसर दे रखे हैं जिनमें आप कुछ कहते हैं, और बी वाले कॉलम में उन अवसर पर क्या कहते हैं वो सारी बातें दी हुई है, बट दे आर नॉट इन ऑर्डर सो मैच दीज इन करेक्ट ऑर्डर, लेकिन ये सही ऑर्डर में नहीं है तो आपको उनको मैच करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट आता है यू मीट योर एल्डर ब्रदर इन द मॉर्निंग, जब आप अपने बड़े भाई से मिलेंगे सुबह सुबह तो आप क्या कहेंगे, सॉरी कहेंगे, थैंक यू कहेंगे, एक्सक्यूज मी कहेंगे या गुड मॉर्निंग कहेंगे, हम क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, डी, गुड मॉर्निंग। यू हैव ब्रोकन ए प्लेट, जब आप कोई प्लेट तोड़ देते हैं तो आप क्या कहते हैं, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, क्या कहेंगे आप, सॉरी कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी, तो यहां पर ए। यू वॉन्ट ए बुक फ्रॉम योर फ्रेंड फॉर 2 डेज, आप अपने दोस्त से 2 दिन के लिए कोई बुक चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, प्लीज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई। द फ्रेंड गिव्स यू द बुक, अगर आपको कोई वो फ्रेंड बुक दे देता है तो आप इसको क्या कहेंगे, थैंक यू, तो थैंक यू के लिए यहां क्या आएगा, बी। यू कुड नॉट मीट योर फ्रेंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोमिस, आपने अपने दोस्त से वादा किया था कि आप उससे मिलेंगे लेकिन आप मिल नहीं पाए, तो आप उसको क्या कहेंगे, सी, एक्सक्यूज मी, कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे मिल नहीं पाया। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, फाइंड द वर्ड्स हिडन इन दीज वर्ड्स विद द क्लूज इन द ब्रैकेट्स, ये आपको एक साइड में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें कुछ वर्ड छिपे हुए हैं, और कौन से वर्ड छिपे हुए हैं उनके लिए आपको यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से हमें इनमें से वो वर्ड सर्च करना है। देखिए, जैसे फर्स्ट है SHOP, शॉप, तो इसमें हमें एक क्लू दे दिया, जंप, जंप मतलब उछलना, तो एक ऐसा ही वर्ड होता है HOP, हॉप, हॉप, हॉप मीन्स उछलना, तो हमने ये वर्ड ढूंढ लिया। इसी तरीके से देखिए, एन ऑर्नामेंट, मॉर्निंग वर्ड दिया हुआ है, और इसमें एन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट यानी एक आभूषण, कौन सा आभूषण हो सकता है, कौन सा जेवर हो सकता है, ये हो सकता है मॉर्निंग में देखिए, रिंग, RING, रिंग, कौन सा बन सकता है, रिंग, RING, रिंग। नेक्स्ट देखिए, प्लम्बर, प्लम्बर में हमें क्या ढूंढना है, एक फ्रूट ढूंढना है, फ्रूट, तो प्लम्बर में क्या मिलेगा, प्लम, PLUM, प्लम। देखिए, कारपेंटर, कारपेंटर में हमें एक व्हीकल ढूंढना है, तो व्हीकल कौन सा मिलेगा हमें, कार, CAR, कार। टीचर है, टीचर में देखिए, एक कंटिन्यूअस पेन, कंटिन्यूअस पेन लगातार कोई दर्द हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक, ACHE, ACHE, एक, एक मीन्स दर्द, जैसे हेडेक होता है, बैक एक होता है, सिर दर्द होता है ना, जैसे हेडेक, तो ये एक, ये आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 3rd चैप्टर लेंगे।
संजय इज इल, ये चैप्टर लेंगे हम. थैंक यू.